Adjustments in final accounts. So till now we have discussed the five adjustments. Let me revise that. Adjustments in your final account, because the simple name of the chapter is final account, right? Adjustments. So first adjustment we did outstanding expenses. एक तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देना, एक इसे लायबिलिटी दिखाना. ऐड टू एक्सपेंस, ऐड का साइन मैंने डाल दिया, एंड सेकेंडली विल बी शोइंग इट एज अ लायबिलिटी. राइट, मैं बात कर रही हूँ जब ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखा है. इफ इट इज अपीयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस देन इट इज ओनली अ लायबिलिटी, माइंड इट. राइट, देन वी हैव सेकेंड, इसी का ऑपोजिट, प्रीपेड एक्सपेंस. क्योंकि ये इस साल का नहीं है, आने वाले टाइम पीरियड का है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे. ये माइनस का साइन है. एंड सेकेंडली इट इज टू बी शोन एज एन एसेट बिकॉज इट इज माई करंट एसेट. राइट, देन थर्ड वी हैव एक्रूड इनकम, द इनकम येट टू बी रिसीव्ड. कल भी डिस्कस किया था, बिकॉज ये इनकम मिलने वाली है और इस साल से रिलेटेड है, इसलिए पर्टिकुलर इनकम में एड कर देना. इट इज सेम एज ऑफ योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिकॉज इफ आई कॉल इट एक्रूड इनकम दैट मीन्स इट इज एन आउटस्टैंडिंग इनकम. तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट है वही करनी है, लेकिन वो लायबिलिटी रहता है, ये एसेट रहना. ठीक, डन. देन वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो हमें टाइम से पहले मिल गई. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, दैट्स व्हाई आई विल डिडक्ट इट. इसे मैं डिडक्ट कर दूंगी इस साल की इनकम में से, और ये लायबिलिटी भी होगी. देन फिफ्थ एडजस्टमेंट वी डिड यस्टरडे, That is closing stock. अब देखते हैं बुक में अगला सीक्वेंस. आई थिंक डेप्रिसिएशन होगा, बट वी विल फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द बुक. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. अगर तो विद इन द ट्रायल बैलेंस है, देन इट इज ओनली एन एसेट एंड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. बट इफ इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी एन एडजस्टमेंट. इफ इट इज एन एडजस्टमेंट, देन राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and show as an asset, और इसे asset भी दिखाओ. तो इसकी तब दो adjustments होंगी, एक आप credit side of trading account में show करोगे, and secondly you will be showing it as an asset. Done. Now see the sequence from your book. आगे sixth number पे वो adjustment कौन सी लिखता है, let's see. Yes, fifth closing stock है, we discussed about it. Then yes, I was right, depreciation है भाई sixth number पे. Depreciation in most of the cases it will be given as an adjustment, right? ये adjustment की form में ही दे रखा होगा. अगर within the trial balance है, let me tell you, अगर within the trial balance है तो it is an expense only, right? We are going to start with the sixth adjustment. यहाँ तक मेरे को लगता visibility है, इधर reflection पड़ती है, यहाँ तक visibility है. Sixth depreciation है भाई. So depreciation के बारे में सबको पता है, it is a non cash item, but it is my operating expense, right? If it is operating expense means it is an indirect expense. अगर तो ये within the trial balance है, बहुत कम बार होगा कि ये trial balance के बीच में appear करेगा. अगर ये trial balance में है तो it is only an expense and to be shown in the P&L account because it is your indirect expense, right? अगर ये विद इन ट्रायल बैलेंस है, इट इज एन एक्सपेंस इन पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड पे लिखोगे. अगर ये एडजस्टमेंट है, राइट, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, फॉर एग्जांपल ही राइट्स 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे ही लगता है. साथ में वो कहता है 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन फर्नीचर. तो हमने फुल फ्लेज चैप्टर किया हुआ है भाई डेप्रिसिएशन का. जो वैल्यू आपकी मशीनरी की ट्रायल बैलेंस में होगी, फॉर एग्जांपल दैट इज 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर 10% जब कैलकुलेट करोगे दैट विल कम टू अस 50,000. फॉर एग्जांपल फर्नीचर आपका 1 लाख का दे रखा है, 1 लाख का 5% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5,000 आएगा. ठीक है, अब ये दोनों डेप्रिसिएशन आपने उठानी है और P&L account की debit side पे लिख देना है. Secondly, क्योंकि ये adjustment है तो दो जगह आना है. You have to deduct it from assets, respective assets ना. Means machinery का depreciation machinery में से minus करना
और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस करना, राइट। एंड एसेट्स भी राइट इन योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप मशीनरी कितने की लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड दिस इज द एसेट साइड ऑफ माई बैलेंस शीट, हियर डू आई राइट मशीनरी, डन। इसमें से माइनस क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन। ये मशीनरी की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 5 लाख, 5 लाख में से 5000 मैंने 50000 मैंने माइनस किया, सो नेट अमाउंट यू विल राइट एट द एंड ऑफ द ईयर आई डोंट हैव द मशीनरी नाउ ऑफ 5 लाख, आई डू हैव अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द मशीनरी बिकॉज डेप्रिसिएशन टेंड्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट, सो आई विल बी शोइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट रुपीज 4,50,000। डन, सेम यू विल बी डूइंग विद फर्नीचर। फर्नीचर इज 1 लाख, 1 लाख में से 5000 आप माइनस करोगे और ये दोनों पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में सेपरेटली लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी देन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। सो डेप्रिसिएशन इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस व्हिच इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ माय पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे यू विल बी राइटिंग दीज टू डेप्रिसिएशंस। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट टू एनीवन, शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इसकी एग्जाम्पल देख लो क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। बेटे दो बातें आपने याद रखनी है क्वेश्चन में, वैसे इतना टिपिकल बनता नहीं है क्वेश्चन। समटाइम्स ही राइट जस्ट 10%, आई मस्ट राइट इट हियर, समटाइम्स ही जस्ट राइट 10%, राइट, एंड समटाइम्स ही राइट 10% पर एनम। जब 10% पर एनम है यू हैव टू कंसिडर द टाइम पीरियड, आपने टाइम वाइज डेप्रिसिएशन लगानी है, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग पीरियडिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिसिटी, द पीरियड फॉर व्हिच द एसेट इज बीइंग पुट इनटू यूज, फॉर दैट पीरियड ओनली द डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड, राइट। लेकिन अगर पर एनम नहीं वर्ड लिखा तो आपने फ्लैट रेट क्या करना है, अप्लाई करना है टाइम पीरियड, इन दैट केस यू विल बी इग्नोरिंग, ठीक है। उस केस में आपने टाइम पीरियड क्या करना है, इग्नोर। So you have to read the statement very carefully. कई बार क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा मशीनरी, फिर लिखा होगा मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st October एंड अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड ऑन 31st March. So जो 1st October को मशीनरी खरीदी गई है उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा अगर उसके साथ वर्ड पर एनम लिखा है, दिस इज पी बाई, ठीक है। तो अगर पर एनम नहीं लिखा तो जो 1st October को भी खरीदी है उसके ऊपर भी स्ट्रेट 10% rate I will be applying. So for that you need to be conscious enough, right? Depreciation की entry सबको आती है. Depreciation account debited. यहाँ पे क्या होगा? To machinery पूरा depreciation का chapter किया हुआ है. Then to furniture a combined entry you can pass. Now come to the next adjustment. Yes, this is very very important adjustment. इसके ऊपर अलग से question बनता है. Numerical question में इसका part बहुत कम बार पूछा जाता है. Like we did till now closing stock. अब हमारी एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 7, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। सो लेट्स सी हाउ ही इज ट्रीटिंग ओपनिंग स्टॉक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओपनिंग स्टॉक इज अपीयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग स्टॉक इज टू बी रिटर्न एज द वेरी फर्स्ट आइटम ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे यू स्टार्ट दैट अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। लेकिन अगर कहीं एडजस्टमेंट में कुछ इसके बारे में लिखा है देन हाउ इट इज टू बी डेल्ट विद, लेट्स सी दैट। 7th एडजस्टमेंट पे पहुंच गए हम लोग, That is opening stock. Let's see. This is 7th adjustment. Opening stock. Sometimes what will happen, he will write as an adjustment that opening stock is undervalued. Or sometimes he may write that the opening stock was overvalued. तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अंडर वैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ाओ, अब अगर ओवर वैल्यूड है तो अब उसकी वैल्यू कम करो। तो उसका इफेक्ट हम लोग कहां कहां दिखाएंगे, दैट इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड हियर। लेकिन जो उसने लिखा है वो जरा देखो, वैसे मैंने बोला इन मोस्ट ऑफ द केसेस और यूजुअली ओपनिंग स्टॉक विल बी अपीयरिंग within the trial balance, but he started the paragraph, in case opening stock appears outside the trial balance, it is simply an information and should not be taken as an adjustment. Agar to trial balance mein de rakha hai opening stock, to hi aap usse trading account mein likhoge. Agar opening stock aapko outside the trial balance de rakha hai, as an adjustment de rakha hai, then that is not to be taken as an adjustment. It is an additional information, you are not going to put it anywhere. Mind it. ठीक है, और आमतौर पे नहीं होगा कि ओपनिंग स्टॉक वो आपको बाहर देगा,
It means the value of opening stock has already been adjusted in the purchases account. Means आपने purchases पहले से ही adjust कर ली है. जो ट्रायल बैलेंस में परचेजेस दे रखी होंगी वो एडजस्टेड परचेजेस होंगी, और एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो इट शुड नॉट बी टेकन एज एन एडजस्टमेंट. समटाइम्स द ट्रेडर्स इन ऑर्डर टू सप्रेस देयर प्रॉफिट, ये मेरे वाली बात आ गई. कई बार आप अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए अपने स्टॉक की वैल्यूएशन क्या करते हो, traders in order to suppress their profit undervalue the stock. In that case the following adjustment is to be made. Profit ko kam karne ke liye ya profit mein manipulation karne ke liye sometimes you show your opening stock at exceeding price. Kyun exceeding hoga zara dekhna, ye trading account banta hai, ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे सेल्स आती हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक. मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी इमेजिनरी फिगर से. दिस फॉर एग्जांपल सेल इज 10 लाख एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 4 लाख. डन. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे परचेसेस लिखते हैं. मैं बोल रही हूँ कि एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज वेजेस. डन. सो परचेसेस आर 7 लाख. आई एम एज्यूमिंग wages I am assuming 1 lakh. ठीक है, इस साइड का टोटल आया 14 एंड आई एम राइटिंग ओपनिंग स्टॉक 2 लाख. तो 14 में से इस साइड का टोटल आया 10 लाख, मींस मेरा 4 लाख जीपी होगा. कई बार क्या होता है, आप ओपनिंग स्टॉक 2 लाख की जगह 3 लाख लिखते हो, ओवर वैल्यूएशन. जब आप 2 की जगह 3 लाख लिखोगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 4 लाख से कम होकर कितना हो जाएगा, 3 लाख. सो समटाइम्स दिस इज द वे टू सप्रेस our profit. Sometimes the business houses, they may overvalue the opening stock. So how that overvaluation is to be, or undervaluation kya hoga, closing stock. Closing stock ki wo undervaluation karenge aur opening stock ki wo kya karenge, overvaluation karenge in order to reduce their profit. Aur aisa kyun hoga, to shield the tax, tax se bachne ke liye. ऑब्वियस है, अगर जीपी कम आएगा तो आगे जाके नेट प्रॉफिट भी तो कम आएगा. कम नेट प्रॉफिट के ऊपर आप कम टैक्स पे करोगे. ठीक है, सो दिस कैन बी द पॉलिसी, दो इट इज नॉट परमिटेड, बट दे आर रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट बाय डूइंग सच टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. सो व्हेनेवर इट हैपेंस एंड इट इज गिवन इन द इक्वेशन, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर स्टॉक एट द ओरिजिनल वैल्यू. आपको अपने स्टॉक को ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आना है. द अमाउंट सप्रेस शुड बी एडेड टू द ओपनिंग स्टॉक. अगर आपने अंडर वैल्यूएशन करी है तो आप उसे बढ़ाओगे. एंड द सेम अमाउंट, यस, अगर आपने अंडर वैल्यूएशन करी है तो आप उस स्टॉक को बढ़ाओगे. ठीक है, और साथ में ही स्टॉक बढ़ने से आपकी कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कैपिटल भी बढ़ाओगे. ठीक है, अगर आपका क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो आपने उसे क्या करना है, बढ़ाना है. ठीक, अगर ओवर वैल्यूएशन है तो आपने उसे क्या करना है, कम करना है. तो आप क्या करोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, और साथ में आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज इन केस ऑफ if it was undervalued. If it was undervalued, so you have to increase. If it is overvalued, then you have to decrease it. ठीक, see the board. Undervaluation के केस में आप उसे बढ़ा के लिखोगे, because this is an adjustment you are making. ठीक है, stock के बढ़ने से हमारा profit भी बढ़ता है, और profit बढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा, capital के ऊपर भी effect पड़ेगा. ठीक है, asset बढ़ रहा है, you can assume asset बढ़ रहा है, तो you have to increase your capital as well. और अगर आप अपना ऑलरेडी ओवर वैल्यूड कर चुके थे तो आपने अब स्टॉक को क्या करना है, कम. वी हैव वन इलस्ट्रेशन, आई विल बी सॉल्विंग दैट इलस्ट्रेशन फॉर यू, सो दैट यू कैन गेट हाउ द थिंग्स आर टू बी डेल्ट विद. आई हैव 10th इलस्ट्रेशन, पढ़ो जरा क्या है. सी 10th इलस्ट्रेशन, ये अलग से 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, और न्यूमेरिकल्स में बहुत कम बार इसके बारे में पूछा जाता है. राम सिंह वैल्यूड स्टॉक. मान लो किसी कंपनी का अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो उसी कंपनी का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा. ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू बी द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो ही सेज राम सिंह वैल्यूज हिज स्टॉक 31 मार्च को जो था 2018 में एट 20% बिलो. इट मींस दिस स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा कितने परसेंट से, 20% से. मींस 100 वाली चीज आप 80 में दिखा रहे हो,
ठीक है, हाउ दैट इज टू बी ब्रॉट अप, मेरे को उसको आगे ऊपर लेके जाना है, 20% से मैं उस स्टॉक को बढ़ाऊंगी, हाउ आई विल बी डूइंग दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. अब उसने क्या डिसाइड किया, क्योंकि ये मेरी पॉलिसी थी कि मैं स्टॉक को 20% कम पे शो करता था, अब फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए हम उसे ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएंगे. इट मीन्स कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम था तो ओपनिंग स्टॉक भी कम था. ही इज गिविंग मी द ओपनिंग स्टॉक 40,000, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. आपको नहीं लगता ये 40,000 इज बियॉन्ड 80? 80 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, दैट विल कम टू यू 50,000. सो 10,000 से आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना है भाई. अभी एंट्री बताई मैंने, व्हेन यू विल बी इंक्रीजिंग द ओपनिंग स्टॉक एंट्री विल बी, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अंडर वैल्यू, नाउ यू आर इंक्रीजिंग इट, एंड सेकेंड इफेक्ट वी विल बी शोइंग इन द कैपिटल. डन. कितने से बढ़ा स्टॉक, 40,000 से बढ़ के कितना हो गया 50, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000. डन. 10,000 बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना, और 10,000 से आपने अपना ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या कर देना है, इंक्रीज. देखो यही किया ना, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. सो दिस वाज द केस. नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, या हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड. ये फॉर्मूला और ये टॉपिक कब अप्लाई होगा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, व्हेन इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन द क्वेश्चन. व्हेन इन द क्वेश्चन यू हैव ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखा है स्टेशनरी 50,000, राइट, और नीचे आपको दे रखा है एज एन एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस देता है, हाँ, ओपनिंग विल बी अपेयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000. सो आई एम डाउटफुल हेयर, किन तीनों चीजों का मैं क्या करूं. मान लो मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ना होता, तो जितनी भी 50,000 की स्टेशनरी होती मैं उसे एक्सपेंस ट्रीट करती, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेशनरी है तो हाउ आई विल बी डूइंग इट. 5,000 जो पहला था मैं पहले उसे यूज करूंगी, 50,000 का मैंने नया खरीदा, टोटल स्टेशनरी मेरी कितनी हो गई 55, इस 55 में से 10,000 की बच गई, इट मींस कि 45,000 की ही मैंने कंज्यूम करी होगी, ठीक है. सो व्हेनेवर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, एंड इट इज गोइंग टू हैपन ओनली इन केस ऑफ स्टेशनरी आई थिंक, एंड इफ यू आर रनिंग अ डिस्पेंसरी बिजनेस देन यू मे हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन विद यू, ठीक है, और मेडिसिन परचेज, दिस विल बी स्टेशनरी परचेज्ड. वो अकेला स्टेशनरी भी लिख सकता है, वो इसके साथ परचेज वर्ड भी लगा सकता है, ठीक है. इन दैट केस यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला हाउ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल, आपने यहाँ पे कंज्यूम्ड निकालना है, क्योंकि 45,000 जो कंज्यूम हुआ है वही आपका रियल खर्चा है, एंड दिस 45,000 यू विल बी पिकिंग एंड यू विल बी राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. सो हाउ आई हैव कैलकुलेटेड इट, वी हैव अ फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ stationery consumed. So how it is to be calculated? Opening stock of stationery plus stationery purchased. जैसे मैंने बताया opening कितना था, ये मेरे business का हमेशा फंडा होता है या rule होता है, जो stock आपका पुराना पड़ा पहले उसे use करते हो, ठीक है. सो 5,000 यू आर हैविंग विद यू इन हैंड, जो पिछले साल की स्टेशनरी बची हुई थी वो इस साल का क्या बना, ओपनिंग, आपने पहले उसे यूज किया होगा. 50,000 की आपने नहीं खरीदी, इट मींस कि आपके पास ओवरऑल इन हैंड वाज 55,000, उसके बाद भी आपके पास 10,000 की स्टेशनरी बच गई. सो क्लोजिंग स्टॉक वी विल बी डिडक्टिंग, अगर 55 में से 10,000 की बच गई है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस आपने 45,000 की यूज कर ली होगी. So this is the formula, 45,000. So this you will be writing on the debit side of your P&L account. Ya P&L account ki debit side mein likhoge, right? Or what about
ये ओपनिंग स्टॉक है, ये फॉर्मूला में यूज हो गया, ये ट्रायल बैलेंस की आइटम थी। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के फॉर्म में दे रखा है, ये दो जगह आना, एक बार फॉर्मूला में यूज कर लिया, दूसरी बार आप इसे बैलेंस शीट में एसेट दिखाओगे। हर तरह का क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में एसेट बनेगा इफ इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओपनिंग स्टॉक विल बी अपीयरिंग विद इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ योर मटेरियल कंज्यूम एंड क्लोजिंग स्टॉक ही विल बी राइटिंग एज एन एडजस्टमेंट। डन। नाउ कम टू नाइंथ एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद टेंथ एडजस्टमेंट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? सो लेट्स डिस्कस दैट। बीइंग अ कैपिटल एज एन इंटरनल लायबिलिटी, वी आर टेकिंग द मनी फ्रॉम आर प्रोप्राइटर, राइट? अगर वही पैसा हम मार्केट से, बैंक से बोरो करते या फिर किसी से लोन लेते, तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। So by following the separate entity concept, we treat the business and businessman as two separate entities. So businessman will demand interest on his capital invested in the business, and we should pay, right? Mera business, businessman ko. Though both are same, theoretically both are same, but practically we treat them two separate entities. So we have ninth adjustment in our syllabus, that is interest on capital. जर्नल के चैप्टर में आपको इसकी एंट्री करवाई हुई है, और ये आमतौर पे अगर विद इन द ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के विद इन है, तो इट इज ओनली एन एक्सपेंस, इसे एक्सपेंस ट्रीट करना और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना। ऑब्वियसली राइट, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है, वेदर पेड और नॉट, हमने पे किया है या नहीं पे किया, तो ये एक्सपेंस है। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में है, वहां पर लिखा होगा चार्ज 10% interest on capital. So we will be charging it. For example, capital he is giving me in the trial balance 7 lakh. I will be charging 10% on the capital. That will come to me 70,000. So how it is to be treated? ठीक है, एक हम इसे लिखेंगे P&L account की debit side में as an expense, और एक capital में add कर देना। और capital हम कहाँ लिखते हैं? Liability side of the balance sheet. आप सबको entry भी आती है, आपको लॉजिक भी अभी पता चल जाएगा। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इफ यू रिमेंबर योर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, तो हम कैपिटल में ही प्लस करते थे, कैपिटल में ही माइनस। माइनस इसलिए करते थे क्योंकि ये एक्सपेंस था, सारे एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करते थे, एंड सेकेंडली क्योंकि ये प्रोप्राइटर को हमने देना है, प्रोप्राइटर को कुछ भी देना है तो उसकी कैपिटल में एड करना है, प्रोप्राइटर से कुछ भी लेना है तो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करना। सो एज इन द एंट्री ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड being a nominal account, so that's why it is to be written on the debit side of P&L account, and secondly capital got credited, koi bhi liability agar credit ho rahi hai means wo badh rahi hai, so that's why we will be adding it to the capital. We are giving it to the proprietor, we are just making it due, we never pay anything to my proprietor in cash. Theek hai, proprietor ko kuch bhi business se dena hai to capital ko badha do, proprietor se kuch bhi lena hai to capital ko kya kar do, kam kar do. So this thing you have to keep in mind. Theek hai, मेरे को लगता है द पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ इसी का रिवर्स हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से इंटरेस्ट डिमांड करता है, तो बिजनेस भी बिजनेसमैन को कहता है, अगर तूने अपने पर्सनल पर्पस के लिए, फिर से सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर तूने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसे विदड्रॉ करे हैं, तो हम भी तेरे से इंटरेस्ट लेंगे। सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। इसकी भी एंट्री हम लोगों ने जर्नल के चैप्टर में करी होती, तभी मैं बोलती हूँ ना, जर्नल का चैप्टर विल बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस थ्रू आउट। इधर वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म वन, दो दैट हैज गॉन, टर्म टू में जर्नल के कई पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो डोंट कंसिडर नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस। सो टर्म टू में जर्नल का कोई ना कोई पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज 10th एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। If given within trial balance की हर आइटम एक ही जगह आनी है। If given within trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस के विदिन दे रखा है, तो हम लोगों ने इसे क्या ट्रीट करना है? इनकम। Then write it on the credit side of P&L account.
पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखो इसे, बिकॉज इट इज एन इनकम। और अगर ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में दे रखा है तो वो क्या लिखेगा, वहां पे वर्ड मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज लगवाया ना, चार्ज नहीं आएगा वहां पे, प्रोवाइड आएगा। डेप्रिसिएशन ड्रॉइंग्स के साथ चार्ज आएगा, चार्ज बिकॉज दैट वी गिव टू द प्रोप्राइटर, दिस वी टेक फ्रॉम द प्रोप्राइटर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही विल ऑलवेज बी यूजिंग द वर्ड प्रोवाइड, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ ही विल बी ऑलवेज यूजिंग द वर्ड चार्ज। तो वहां पे थोड़ा सा याद रखना, दिस इज व्हाट चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन 50,000। ठीक, अब यहाँ पे ना डबल ओपिनियन है, हमें नहीं पता डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या है। अगर तो अकेला 5% वर्ड लिखा है तो आप सीधा 50,000 का 5% कैलकुलेट करोगे, 2500 आएगा। और अगर इसके साथ पर एनम लिखा है तो वी अज्यूम दैट द अमाउंट माइट हैव विथड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ईयर बिकॉज द डेट इज नॉट मेंशन, देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर 6 months अगर पर एनम है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वी विल डिस्कस, आई एम रिपीटिंग। अगर तो परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, वी इग्नोर द टाइम पीरियड एंड डेट ऑफ द ड्रॉइंग ही इज नॉट मेंशनिंग। या तो वो मेंशन कर दे तो टाइम वाइज हम लोग लगाएंगे, अगर पर एनम है और डेट ऑफ ड्रॉइंग ही इज नॉट क्लैरिफाइंग इन द क्वेश्चन, देन ऑन एन एवरेज वी विल बी अस्यूमिंग मिडल ऑफ द ईयर पैसे विड्रॉ किए होंगे। तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाते हैं, बाकी द क्वेश्चन वी विल सी कि वो कैसे इसको ट्रीट करता है, एंड यूजुअल ट्रीटमेंट यही होती है। मैंने पर एनम नहीं कंसिडर किया, ठीक, तो मैंने 2500 सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगा दिया। अब इसको एक तो आपने लिखना है इनकम इन पी एंड एल अकाउंट, और क्योंकि ये प्रोप्राइटर से हम लोगों ने चार्ज करना है, सेकेंडली इसे क्या करना, डिडक्ट कर देना फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से क्या करना, इसे माइनस करना, एंड कैपिटल वी राइट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ आर बैलेंस शीट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट विल बी इट्स एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी आपको सिखाई होती है। या तो आप ड्रॉइंग से डेबिट करते हो, दोनों करवाई हुई आपको, अगर ड्रॉइंग्स डेबिट नहीं करना तो वी रिड्यूस इट और वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल, यू कैन डायरेक्टली डेबिट द कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आप ड्रॉइंग्स डेबिट करते हो तो अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स भी तो कैपिटल में से माइनस ही होनी है, तो बेटर है कि कैपिटल को ही डेबिट कर दो। एज वी आर डेबिटिंग कैपिटल इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल, एंड इफ वी आर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट आई एम क्रेडिटिंग, so it is going to be the income of the concern, right? So this thing you have to keep in mind, which was our 10th adjustment. Let's proceed to the 11th adjustment. Yes, drawings can be two types, it can be cash, it can be in goods. If the drawings are in goods or in kind, then how it is to be treated, let's see. Drawings in goods, separate point banana nahi chahiye tha, hume pata hi hai drawings do tarah ki hoti hai, but he made an 11th adjustment. Drawings in goods or drawings in kind, 11th adjustment. Now this is drawings इन गुड्स, आप सबको एंट्री पता है। अगर तो ये ड्रॉइंग्स विद इन द ट्रायल बैलेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली कैपिटल में से माइनस करेंगे। इफ इट इज गिवन विद इन द ट्रायल बैलेंस तो हम इसे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स आई एम रेक्टिफाइंग इट, ठीक, अगर ये विद इन द ट्रायल बैलेंस है तो आपने सिंपली इसे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक। अगर आपको नीचे लिखा है एज एन एडजस्टमेंट है तो आप ये एंट्री पास करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, टू परचेजेस या टू गुड्स किया करते थे ना, तो अब ये दो जगह आनी है भाई, एक तो कैपिटल में से माइनस कर देना, डिडक्टेड आई एम पुटिंग द साइन ऑफ माइनस, कैपिटल में से माइनस करना, एक क्योंकि सामान जा रहा है एंड परचेजेस भी राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, एक परचेजेस में से माइनस कर देना, डिडक्ट फ्रॉम द परचेज। तो पहली बार एक आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस हो रही है और एक कैपिटल में से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। तो वैल्यू उसने लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेसेस
on the debit side of the trading account, and same amount is also deducted from the capital on the liability side of the balance sheet. Done. अगला भी पॉइंट आपको आता ही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस एज फ्री सैंपल और चैरिटी एटसेट्रा, दिस इज 12th. गुड्स यूज्ड इन फ्री सैंपल, फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में सैंपल्स और चैरिटी मीन्स डोनेशन. तो ये एंट्री भी आपको आती है, ये आमतौर पे एडजस्टमेंट की फॉर्म में होगा, विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं होगा. अगर कहीं विद इन ट्रायल बैलेंस है तो ड्रॉइंग्स आर सिंपली द पार्ट ऑफ योर पी एंड एल अकाउंट, यू विल बी राइटिंग इट इन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोइंग टू बी योर एडजस्टमेंट. तब एंट्री क्या होगी, ईदर वी विल बी राइटिंग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. अब क्या करें, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस में से माइनस कर देना और दूसरा इसे पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना. अगर एडवर्टाइजमेंट है तो टू एडवर्टाइजमेंट लिख देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, टू चैरिटी लिख देना अगर चैरिटी की फॉर्म में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. डन, दिस इज योर 12th एडजस्टमेंट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू इन Fifth period. Fifth period is your usual period of accountancy. This was an arrangement, so we covered the syllabus as Monica ma'am is on leave, right?